अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट कपल आयज़ा खान और दानिश तैमूर फिर से एक दफ़ा एक साथ ऑन एयर होने वाले हैं ड्रामा चांद तारा में, जो कि रमज़ान में हम टीवी पे पेश किया जाएगा। इस ड्रामे के कुछ बिहाइंड द सीन्स और पिक्चर्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं द वन एंड ओनली सबा फैसल। एक अच्छी माँ, एक अच्छी एक्टर, एक अच्छी बहू, एक अच्छी भाभी और एक अच्छी इंसान। Really? इतने ऑप्शन तो आप लिडो में नहीं होते जितने आपके पास हैं। इसलिए कि आप खुद बहुत अच्छे। अच्छा, अब आपको सबसे ज्यादा आप किस किस काम को एंजॉय करती हैं? मतलब घर में रहना एंजॉय करती हैं या एक्टिंग एंजॉय करती हैं? मैं घर में रहना भी बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम रहती हूँ। और आपको पता है अभी हम जो सीन कर रहे थे, यस, और आपने कोई बात की मजाक में, और उसके बाद हम सीन में आए तो हंस रहे थे मैं और आयजा, और एकदम से हम सीरियस हुए, और एकदम से मेरे मुंह से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि जब हमारा काम हमारी मोहब्बत है तो इससे ज्यादा अल्लाह का शुक्राना क्या अदा करें। बेशक, सुभान अल्लाह, कैसे हैं आप इतनी अच्छी, मुझे तो लोग ये चिराग से भी नहीं बल्कि। ड्रामा चांद तारा की शूटिंग अभी जारी है और यह ड्रामा रमजान में हम टीवी पे ऑन एयर होगा। ड्रामे के मेन कैरेक्टर्स में आयजा खान, दानिश तैमूर, सबा फैसल, इसके अलावा टिकटॉकर मैसा खान और गुजाला सिद्दीकी भी इस ड्रामे में अपना कमबैक कर रही हैं। काफ़ी सालों के बाद गुजाला सिद्दीकी अपना कमबैक कर रही हैं, उन्होंने काफ़ी सालों से अपने शोबिस को छोड़ा हुआ था। आयजा खान और दानिश तैमूर के कपल को चूंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मेहरपोश के बाद ये दोनों काफ़ी अरसे के बाद एक साथ नज़र आएंगे। इनके कपल को लोग ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही पसंद करते हैं। मेहरपोश के बाद अब ये दोनों एक दूसरे के साथ नज़र आएंगे और बहुत ही अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस ड्रामे से। आपको आयजा और दानिश का कपल कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चांद तारा ड्रामे का आपको कितना ज़्यादा इंतज़ार है वो भी आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। जैसे ही हमारे पास कोई नेक्स्ट अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के तमाम सोशल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस। गाइस गाइस, सी ये वही ना नादानिया वाले, बचपन में हम इनका ड्रामा देते थे जब पैदा भी नहीं हुए थे, तब से ऊपर से भी पैदा नहीं हुई। सर बिग फैन, सर सर एक बार बोल के तो दिखाएं अपना कोई डायलॉग। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नादानिया बेचैनिया, आई डोंट नो।